दोस्तों पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा चमत्कारी पेड़ लेकर आया हूं जिसके बहुत सारे फायदे हैं हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों इस पेड़ को कचनार के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको इसी कचनार के फायदे के बारे में बताऊंगा, लेकिन फायदा जानने से पहले आप कचनार के पेड़ को, पौधे को पहचान लीजिए कि यह पेड़ कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, यह कचनार का पत्ता है। पत्ते इस तरह से दो हिस्सों में बटे होते हैं, जिस तरह से तितली का पंख होता है उसी तरीके से पत्ते दिखाई देते हैं। देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, ये देखिए, और ये है कली, और ये देखिए दोस्तों, यह कचनार का खिला हुआ फूल है। फूल के अंदर, फूल के बीचों बीच केसर निकले हुए हैं। एक एक फूल में चार चार पाँच पाँच केसर दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, यह कचनार का फूल देखने में बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। इसीलिए शायद इसे गार्डन में या बाग बगीचों में लोग लगाते हैं खूबसूरती के लिए। और हाँ दोस्तों, इसमें करीबन तीन प्रजाति होते हैं। एक पीला फूल वाला कचनार होता है जो बड़ा ही दुर्लभ होता है, और एक सफ़ेद फूल वाला कचनार का पेड़ होता है, और ये है जो आप देख रहे गुलाबी फूल वाला कचनार। और दोस्तों यह कचनार की छाल है, देख लीजिए कुछ इस तरह से होता है। इसी छाल को बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे तो इसके फूलों को भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधि में, और इसके पत्तों को भी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी दोस्तों इस पेड़ के हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी पेड़ के फायदे के बारे में बताऊँगा। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस कचनार के पेड़ को देखकर पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदों के बारे में जानें कि यह कचनार हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा कचनार के फूलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यह कचनार का फूल पेट में होने वाले एसिडिटी, गैस, कब्ज को दूर करने का काम करता है। लेकिन सेवन करने का तरीका विधि यह है, इस कचनार के फूल को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लीजिए, और 100 ग्राम कचनार के फूल के पाउडर में 200 ग्राम शहद मिलाकर घोटकर किसी जगह पे 3-4 दिन तक रख दीजिए। उसके बाद यह कचनार फूल का गुलकंद तैयार हो जाएगा। उस कचनार फूल के गुलकंद के सेवन से पेट के समस्त रोग ठीक होते हैं। अपचन हो, गैस हो, भूख की कमी हो, या फिर अतिसार रोग हो, कुछ भी खाते ही पेट में दर्द होने लगता हो। तो आओ दोस्तों अब हम कचनार के पत्तों के फायदों के बारे में जानें। अगर किसी के मुंह में छाले हैं तो कचनार के पत्तों को काढ़ा बनाकर कुल्ली करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। दोस्तों इस कचनार के पत्तों के फायदे इतने ही नहीं हैं, और भी हैं। अगर किसी के दांतों में दर्द होता है, दांतों में पैरिया रोग हो, दांतों से खून मवाद निकलता हो, तो आप इस कचनार के पत्तों को सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर, देखिए दोस्तों पत्ते सूखने के बाद इस तरह से हो जाएंगे, इसे पीस कर पाउडर बना लीजिए। और जितना इसका पाउडर हो, यानी 100 ग्राम कचनार के पत्तों का पाउडर है, तो 100 ग्राम कचनार के छाल को भी सुखा कर पीस कर पाउडर बना लें। यानी दोनों 100-100 ग्राम, 200 ग्राम है तो उसमें 200 ग्राम फिटकरी मिलाकर मंजन बनाकर रख लें। फिर दांतों की समस्त बीमारी में आप उस मंजन से मसाज करेंगे तो दांत के समस्त बीमारी ठीक हो जाएंगे। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों कचनार के पत्ता और कचनार के छाल का मंजन दांतों के लिए। आओ दोस्तों अब हम कचनार के छाल के फायदों के बारे में जानें। दोस्तों यह कचनार का डाल है, इस डाल में ऊपर का हिस्सा छाल है। इस छाल को निकाल कर सुखा कर पीस कर पाउडर बनाकर 100 ग्राम छाल के पाउडर में 100 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन करने से शरीर में किसी भी प्रकार का गांठ हो तो वह गांठ ठीक हो जाता है, खत्म हो जाता है, गल जाता है बर्फ की तरह। दोस्तों कचनार की इस छाल को शक्तिवर्धक, पौरुकवर्धक माना जाता है। आप इसके छाल को सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री या फिर शहद मिलाकर एक एक चम्मच सुबह शाम अगर सेवन करते हैं तो शरीर का बल बढ़ता है, नस नस में जोर आता है। दोस्तों स्त्रियों के लिकोरिया रोग में कचनार के छाल का चूर्ण बहुत ही फायदेमंद होता है। स्त्रियों के मासिक धर्म में कचनार के छाल का पाउडर बड़ा ही फायदेमंद होता है। और हाँ दोस्तों, कचनार के कली को भी सुखाकर आप पाउडर बनाकर सेवन कर सकते हैं मिश्री मिलाकर। जो फायदे इसके छाल देंगे वही फायदे इसके कली भी देंगे। देख लीजिए, पहचान लीजिए।
दोस्तों पेशाब के जलन में आप कचनार के फूलों को पीसकर इसके ताजे ताजे रस निकाल लीजिए 30 ml तक, और उसमें 3 ग्राम मुलेठी का पाउडर डालकर एक गिलास छाछ में घोर कर पी लीजिए, मिलाकर पी लीजिए तो पेशाब का जलन ठीक हो जाएगा। और अगर किसी का पेशाब खुल खुल कर नहीं होता हो तो 5 ग्राम मुलेठी का पाउडर यानी मीठी लकड़ी जिसे ज्येष्ठ मधु लकड़ी कहते हैं, उसके साथ में इस कचनार के फूलों का रस 20 ml मिलाकर सेवन करने से पेशाब खुलकर होगा, यानी पेशाब के समस्त रोग ठीक हो जाएंगे इसके फूलों के साथ मुलेठी मिलाकर खाने से। दोस्तों अगर किसी स्त्री को लिकोरिया प्रदल रोग है तो कचनार के फूल और गुलाब के फूल और सतावरी तीनों को 100-100 ग्राम लेकर शहद मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करें, ऊपर से दूध पिए तो लिकोरिया रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों पेचिस किसी भी प्रकार का हो, चाहे खूनी हो, बादी हो, आँव गिरता हो, दस्त गिरता हो, आप कचनार के फूल ले लीजिए 50 ग्राम और 50 ग्राम आंवला की पत्ती और 50 ग्राम जामुन की छाल, तीनों को मिलाकर पत्थर के सिल में पीस कर उसका रस निकालिए और उस रस को आप दिन में 2 बार सेवन कीजिए तो पेचिस रोग ठीक हो जाए, चाहे खूनी हो बादी। दोस्तों यह कचनार की कली बहुत से लोग इसका सब्जी बनाकर भाजी बनाकर भी खाते हैं, यह बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। इस कली के भाजी के सेवन से आंखों को रोशनी बढ़ता है, दांत मजबूत होता है, बालों का उड़ना झड़ना रुक जाता है। दोस्तों इस कचनार के फूलों का खुशबू भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, इतना अच्छा खुशबू होता है मात्र नाकों में लगाकर खींचने से ही सर का दर्द तुरंत के तुरंत ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर कोई पुरुष कमज़ोर है, नामर्दी का शिकार है, धातु छीटता है, कमज़ोर है तो वह इस कचनार के कली ले ले करीबन 500 ग्राम इस कली को सुखा ले, सुखाने के बाद पीस कर पाउडर बना ले और कचनार के कली के सूखे हुए पाउडर के बराबर अश्वगंधा का पाउडर और सफ़ेद मूसली का पाउडर मिला ले, तीनों पाउडर को मिलाकर एक जगह कर ले और जितना तीनों का पाउडर हो उसके 2 गुना मिश्री का पाउडर मिला ले, मिलाने के बाद सुबह शाम 1-1 चम्मच सेवन करे और ऊपर से गरम गरम गुनगुना गुनगुना दूध पिए तो उसके शरीर का बल बढ़ेगा, नामर्दी दूर होगा, शीघ्र पतन दूर होगा, धातु गाढ़ा होगा और धातु के अंदर शुक्राणु भी बढ़ेंगे, इतना फायदेमंद होता है। दोस्तों यह कचनार के फूल की कली बहुत ही पौष्टिक आहार है एक तरह से, जो लोग इसके फायदे के बारे में जानते हैं वही लोग इसका भाजी बनाकर सब्जी बनाकर खाते हैं। दोस्तों अगर किसी का बाल झड़ रहा है, उड़ रहा है, चटनिया रोग हो गया है, बालों की समस्त बीमारियों पे आप इस कचनार के कली का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए इसके साथ 2-3 जड़ी बूटियों का और सहयोग लेना होता है। अब आपको करना क्या है बालों को रोग को दूर करने के लिए, मैं आपको तरीका विधि बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और इस्तेमाल कीजिएगा। दोस्तों यह कचनार के कली ताजे ताजे 100 ग्राम तक ले लीजिए और 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ और 100 ग्राम सीकाकाई सूखा हुआ और 100 ग्राम रीठा। तो दोस्तों आंवला, रीठा, सीकाकाई और कचनार के ये कलियां जो आप देख रहे हैं, और दोस्तों अगर कचनार की कलियां आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इस कचनार की फलियां भी ले सकते हैं। ये देखिए फली कुछ इस तरह से होते हैं, देख लीजिए दोस्तों, फली को आप देखकर पहचान लीजिए, चपटे चपटे फली होते हैं, करीबन 1 फुट तक या 1.5 फुट तक बड़े से बड़े होते हैं, इस तरह से फली होता है, देख लीजिए पहचान लीजिए। तो दोस्तों अगर कचनार की कली आपको नहीं मिल रहा है तो फली आप ले सकते हैं बालों के रोग में। तो दोस्तों सभी सामान को एक मिट्टी के मटके के अंदर डालना है, साथ में पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि वह मिट्टी का बर्तन जो है गगरी भर जाए, गगरी करीबन 5 लीटर तक पानी जाने तक होना चाहिए, यानी उस गगरी के अंदर 5 लीटर पानी समा जाना चाहिए। तो दोस्तों 5 लीटर पानी में मैंने आपको क्या क्या बताया, सीकाकाई, रीठा, आंवला सूखा सूखा और कचनार के फली या फिर कली दोनों में से एक चीज डाल दीजिए, डालकर 7 दिनों तक आप उस गगरी को कहीं एक किनारे रख दीजिए, सड़ने दीजिए, जब सभी जड़ी बूटी गगरी के अंदर सड़ जाए 7 दिन के बाद निकालकर उसे खूब हाथों से मसलिए, रगड़िए और रगड़ने के बाद उसका जो कचरा रहेगा उसे उठाकर फेंक दीजिए और जो उसका रस रहेगा उसे निकालकर किसी बोतल में सुरक्षित रख लीजिए और आप उसी रस से, उसी पानी से बालों को मसाज कीजिए तो बालों के समस्त रोग जड़ से नष्ट हो जाएंगे, इतना फायदेमंद होता है दोस्तों यह कचनार के रस बालों के लिए।
दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सर में हमेशा दर्द होता रहता है, जिसे आधा सीसी या फिर अधकपारी के दर्द कहते हैं। उस दर्द में भी बहुत फायदेमंद होता है कचनार के फूल का तेल। तेल बनाने की विधि यह है कि सरसों का तेल 100 ग्राम ले लीजिए और इस कचनार के फूल को ले लीजिए 5-6 फूल। उस 5-6 फूल को सरसों के तेल में डालकर खूब पकाइए। जब यह फूल जलकर काला हो जाए तो आप तेल को बाहर निकाल कर छान लीजिए। छानने के बाद तेल को किसी शीशी में बंद कर रख लीजिए और फिर जब आपके सर में दर्द हो तो आप नाक के छेद में सरसों का तेल 5-5 बूंद डालिए, दिमाग तक तेल को पहुंचाइए तो आपके सर का दर्द मिनटों सेकंडों में ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों कचनार और सरसों के तेल में पका हुआ वह तेल। अधकपारी माइग्रेन के दर्द को दूर करने के लिए यह उपाय आप अपनाइए और फायदे पाइए। दोस्तों हाथ पैर और घुटनों के दर्द में आप कचनार की छाल का उपयोग कीजिए। आपके हाथ पर घुटनों का दर्द बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में और कुछ जड़ी बूटियों का सहयोग लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप इस छाल को निकाल लीजिए 100 ग्राम, इस छाल के साथ में 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम कलौंजी का बीज और 100 ग्राम नीम की पत्ती का पाउडर, 100 ग्राम हल्दी, सभी सामान को एक साथ मिलाकर मिक्स करके रख लीजिए पाउडर के रूप में और सुबह शाम 5-5 ग्राम सेवन कीजिए। ऊपर से गरम गरम पानी पीजिए। और अगर आपका पेट साफ ना हो तो सबसे पहले आप पेट साफ कर लीजिएगा त्रिफला चूर्ण सेवन करके, या फिर अरंडी के तेल 2 चम्मच 1 गिलास दूध में डालकर पीकर पेट साफ कर लीजिएगा। दोस्तों जब आपका पेट साफ रहेगा तभी ये कचनार की छाल आपके दर्द को दूर कर पाएगा, क्योंकि अगर पेट में कब्ज होगा तो दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह सब चीजें गर्म गर्म है और अगर पेट में पहले से ही अधिक गर्मी रहेगा तो इसके सेवन से उल्टी जैसा महसूस होने लगेगा। इसलिए सबसे पहले आप पेट को साफ कर लीजिएगा, फिर इस कचनार की छाल का उपयोग कीजिए, सेवन कीजिएगा। दोस्तों मासिक धर्म की गड़बड़ी में स्त्री इसके फूलों को काढ़ा बनाकर 30 ml तक सुबह शाम सेवन करे तो मासिक धर्म गड़बड़ी दूर होगा। और अगर गड़बड़ी और भी अधिक हो तो इसके फूलों के साथ में अशोका के छाल मिलाकर काढ़ा बनाए, 30 ml काढ़ा सुबह, 30 ml काढ़ा शाम को सेवन करे तो मासिक धर्म की गड़बड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि जड़ी बूटी का पेड़ है, लेकिन जो लोग नहीं जानते इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और जो लोग जानते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर को देने वाला हजारों लाखों रुपया वह बचा लेता है। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को मैं ही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।